हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कर्व ट्रेसिंग की। कर्व ट्रेसिंग की बात के लिए आपको जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 6 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अगर आपको कोई भी इक्वेशन दी जाती है कर्व की और उसको आपको ट्रेस करना है, उसके लिए आपको सिमेट्री, ओरिजिन, इंटरसेक्शन, रीजन, मैक्सिमा और मिनिमा और एसिम्प्टोट, ये 6 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और हमारी प्लेलिस्ट को चेक करें पूरा। तो इन 6 चीज़ों को याद रखने के लिए मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बताता हूँ। ये वर्ड आप याद रखें कि आपको क्या क्या देखना था। मारियोस, मारियो तो आपने सबने बचपन में खेला होगा, तो उसके बाद एस और लगा देंगे, तो हम इस हिसाब से याद रखते हैं। सिमेट्री, ओरिजिन, इंटरसेक्शन, रीजन और ये थोड़े से आपस में स्वैप हो जाएंगे, एसिम्प्टोट और मैक्सिमा मिनिमा। तो इस तरह से मैं याद रख सकता हूँ कि मुझे कौन से 6 पॉइंट्स देखने थे। इस वीडियो में मैं सिर्फ ये बताऊँगा कि सिमेट्री क्या होती है, ओरिजिन क्या होती है, कैसे चेक करना है, इंटरसेक्शन को कैसे चेक करना है, रीजन कैसे चेक करनी है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं ये बताऊँगा, क्वेश्चंस करके दिखाऊँगा कि आपको अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है, जो फेमस क्वेश्चंस हैं वो सारे करके दिखाऊँगा आपको। सो आप ये वीडियो पूरा देखें। अगर आपको सब बेसिक्स ये आते हैं ढंग से तो आप स्किप कर सकते हैं दूसरे वीडियो की तरफ। सो हमारा फर्स्ट पॉइंट था सिमेट्री। सिमेट्री आपकी अबाउट एक्स एक्सिस हो सकती है, वाई एक्सिस हो सकती है, बोथ एक्स एंड वाई हो सकती है, या फिर अबाउट ओरिजिन भी हो सकती है। तो हम देखेंगे कि एक्स एक्सिस के अगर अबाउट है तो मतलब जो मेरी वाई की पावर्स है ना, हमेशा इवन रहेगी, जो भी इक्वेशन आपको कर्व की दे रखी है। मतलब मैं अगर फंक्शन ऑफ एक्स माइनस वाई पुट करूं उसी पुराने फंक्शन में जो कि मुझे दिया हुआ है, तो भी मेरा फंक्शन रिमेंस द सेम। मतलब मान लीजिए यहाँ मैं माइनस वाई भी पुट करूं तो वो स्क्वायर होके वाई स्क्वायर ही हो जाएगा। तो इसलिए ये जो मेरा कर्व है ये अबाउट एक्स एक्सिस सिमेट्रिक है, मतलब ये कुछ इस तरह आएगा। अब सिमिलरली वाई के लिए वही इसका अपोजिट, इवन पावर्स ऑफ एक्स रहेंगी और इधर इस तरह से आपका कर्व आ जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay है, तो मैं अगर एक्स को माइनस एक्स भी पुट करूँगा तो भी एक्स स्क्वायर ही आ जाएगा। तो मेरा कर्व रिमेंस द सेम, इसलिए सिमेट्रिक है अबाउट वाई एक्सिस। अब एक एग्जाम्पल है, मान लीजिए अगर एक कर्व है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, जो कि एक सर्कल की इक्वेशन है, तो ये सिमेट्रिक है एक्स और वाई एक्सिस दोनों के लिए। मान लीजिए मैं एफ माइनस एक्स माइनस वाई भी करता हूँ तो वो पूरा फंक्शन एक्स वाई के इक्वल ही आएगा, इसलिए ये सिमेट्रिक है। सो अबाउट ओरिजिन में हमारा क्या है, कॉन्सेप्ट रिमेंस द सेम कि फंक्शन माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स वाई है, तो अबाउट ओरिजिन है। बट जो अगर आप कहेंगे ये इसके सेम है, सेम नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है, हम लोग चेक करते थे इवन पावर्स को चेक करते थे, जो कि मैंने बताया ऊपर। इधर मान लीजिए कोई क्वेश्चन है जिसमें इवन पावर्स नहीं है, मैं कहता हूँ क्वेश्चन मेरा है एक्स टू द फाइव ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर देन वाई, इसमें अगर मैं ये पुट करूँगा तो अभी ये फंक्शन सेम आ जाएगा। मैं दिखा देता हूँ आपको कैसे, माइनस एक्स टू द पावर फाइव प्लस माइनस वाई टू द पावर फाइव, फाइव ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई, तो ये आ जाएगा माइनस फाइव ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई, और ये माइनस एक्स फाइव प्लस सॉरी माइनस वाई फाइव, माइनस से माइनस कैंसिल कर दूंगा तो यही वापस आ जाएगा। इसका मतलब यह है कि ये अबाउट द ओरिजिन है, मतलब इसका कर्व कुछ ऐसा हो सकता है ओरिजिन के अबाउट, ये सिमेट्रिक है। सो अब हम देखेंगे अपना नेक्स्ट स्टेप ओरिजिन। ओरिजिन से हमें थोड़ा सा ये आइडिया हो जाता है कि हमारा जो कर्व है वो अगर ओरिजिन से पास कर रहा है, उसके बाद हम टेंजेंट निकाल लें तो मेरे को पता लग जाएगा थोड़ा इधर जा रहा है या फिर नीचे की साइड से बन रहा है, किस साइड से बन रहा है, ये थोड़ा सा आइडिया हो जाता है। उसके लिए मेन चीज़ आपको ये देखनी है ओरिजिन में कि आपकी कोई कांस्टेंट टर्म है या नहीं। अगर नहीं है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि फिर आपका कर्व जो है वो ओरिजिन से पास करता है, इसका मतलब।
अगर आपको पता है कि ओरिजिन से पास करता है, तो आपको नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि आपको एक टेंजेंट फाइंड करना है। तो उस टेंजेंट के लिए आपको जो लोएस्ट डिग्री टर्म आएगी उसको जीरो इक्वेट करना होता है, और आपको पता लग जाता है कि टेंजेंट कहाँ से जाएगा। मैं एक एग्जांपल के जरिए आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अब ये मैं देख रहा हूँ कर्व की इक्वेशन, इसमें मुझे दिख रहा है कोई भी कॉन्स्टेंट टर्म नहीं है, क्योंकि ये भी इधर मल्टीप्लाई होकर वेरिएबल हो जाएगा, ये वेरिएबल पहले से है। तो अब मैं ट्राई करता हूँ इसको जो लोएस्ट डिग्री टर्म है उसको इक्वेट करूँ जीरो। तो यही मेरे को दिख रही है लोएस्ट डिग्री टर्म, ए एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर जीरो, मतलब ये मेरा टेंजेंट आएगा। इसका मतलब टेंजेंट मेरी वाई एक्सेस आएगी, वाई एक्सेस में टेंजेंट, तो मतलब मेरा कर्व कुछ इस तरह से जाएगा हमेशा। तो शुरुआत होगी उसकी इस तरह से होगी, क्योंकि वाई एक्सेस मेरा टेंजेंट आया है। अब मैं एक और एग्जांपल के जरिए आपको दिखाता हूँ। सो अब मैं ये वाला अपनी इक्वेशन देख रहा हूँ, ये मेरा दूसरा कर्व है, इसमें मुझे चेक करना है कि टेंजेंट है या नहीं। अब देखता हूँ कोई भी मेरे को नहीं दिख रही कॉन्स्टेंट टर्म, तो मेरा मतलब ओरिजिन से पास करेगा मेरा कर्व। अब चेक करता हूँ लोएस्ट डिग्री टर्म, ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये टर्म मेरी लोएस्ट डिग्री है, तो मैं इसको पुट कर दूंगा इक्वल टू जीरो, एक्स दिस विल बी इक्वल टू जीरो। सो मैं कह सकता हूँ कि वाई प्लस माइनस एक्स आ गया है, इसका मतलब एक ये लाइन एंड एक ये लाइन, ये दोनों लाइनें मेरी टेंजेंट है, मतलब मेरा जो भी कर्व आएगा वो कुछ इन्हीं के पास आएगा ऐसा कुछ, या फिर कुछ भी इधर से ही आएगा। ये चार लाइनें, और जब भी आपके दो या दो से ज़्यादा होते हैं तो उसको कस्प बोला जाता है, कस्प नोड कुछ भी बोलते हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया हो, ये दो लाइनें आएंगी मेरी, तो मतलब जो मेरा ये है ओरिजिन से पास करता है, और जो भी पॉइंट है वो इसके टेंजेंट है, ठीक है। सो इसके बाद हम देखेंगे अपना अगला पॉइंट जो हमें चेक करना है, इंटरसेक्शन। नेक्स्ट चीज़ जो हमें चेक करनी है वो है इंटरसेक्शन। इसमें क्या है, सबसे पहले मैं देखूंगा वो पॉइंट जहाँ पर मेरा कर्व इंटरसेक्ट करता है। मेरा कर्व है मान लीजिए इधर और इधर इंटरसेक्ट करता है, या इस पॉइंट पे ऐसा कुछ कर्व है तो वो कुछ इधर और इधर इंटरसेक्ट, तो वो मेरे को पॉइंट्स निकालने कहाँ कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है। अब जब मैंने निकाल लिए पॉइंट्स तो उसके अलॉन्ग टेंजेंट्स भी निकाल लेता हूँ। उसके लिए मुझे सिर्फ शिफ्ट करनी है ओरिजिन टू दैट पॉइंट। मान लीजिए अगर यहाँ पर था ये पॉइंट आया है, तो अब की बार मैं ओरिजिन ये ले लूँगा जीरो, एंड लेट्स से ए हो जाएगी मेरी ओरिजिन जीरो जीरो की जगह। तो वो कैसे होगा मैं आपको दिखा देता हूँ एक एग्जांपल के ज़रिए। सो ये मेरा एग्जांपल है, ये मेरे को कर्व दिया हुआ है, तो मुझे सबसे पहले पॉइंट्स निकालने हैं जहाँ जहाँ मेरे एक्स एंड वाई एक्सिस इंटरसेक्ट करेंगे। तो पहले मैंने पुट करा एक्स इक्वल टू जीरो, तो इस तरह से मेरा आ गया। सिंपली मैंने चेक किया कि 0 0 और 0 2 a ये मेरे दो पॉइंट्स आए। वाई ज़ीरो को पुट किया तो ये सीधा ज़ीरो आ गया। इसका मतलब मेरा जो भी कर्व है वो एक ओरिजिन पे जाता है, और 0 2 a एक इस पॉइंट पे मीट करता है। ये दो पॉइंट आ गए मेरे को। अब क्या है, मैं क्या कर लेता हूँ टेंजेंट भी निकाल लेता हूँ, ताकि मेरे को पता लगे कि यहाँ से किस तरह से ये जो कर्व है वो जा रहा है। सो अब मुझे टेंजेंट निकालना है इस पॉइंट के लिए, तो मैं शिफ्ट कर दिया ओरिजिन 0 0 से 0 2 a। तो ये मेरा कर्व था, इसके लिए बस मुझे कुछ नहीं, मैंने शिफ्ट कर लिया तो मेरा y अब के चेंज हो जाएगा y प्लस 2 a। वही चीज़ इसमें पुट कर दूंगा, तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2 a का होल क्यूब, यहाँ पर 2 a माइनस वाई प्लस 2 a आएगा, तो माइनस वाई आ जाएगा, तो ये वाई प्लस 2 a का होल क्यूब माइनस वाई। अब टेंजेंट निकालने के लिए सेम पुराना फॉर्मूला कि भाई जो लोएस्ट डिग्री टर्म है उसको ज़ीरो पुट करना, y इक्वल टू ज़ीरो, ये मेरा टेंजेंट आ जाएगा, मतलब कुछ इस तरह का टेंजेंट आएगा। तो मेरा जो कर्व है वो शायद इधर ही कहीं लाए करेगा इसी एरिया में, क्योंकि ये तो मेरा टेंजेंट आ गया है।
आई होप ये आपको समझ आया हो। अब हम अगले पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। सो स्टूडेंट्स, रीजन और एब्सेंस ऑफ कर्व मैं आपको ये चेक करना होता है कि कैसे आपका x वेरी कर रहा है विद y या फिर y वेरी कर रहा है विद x। बस ये चेक करना है कि कहीं x की वैल्यू पॉजिटिव डाल रहा हूँ तो y इमेजिनरी तो नहीं हो रहा, y की किस वैल्यू पे x इमेजिनरी हो रहा है, ये थोड़ा सा मुझे सिर्फ चेक करना होता है। जैसे कि आपके लिए एग्जांपल है कि ये मेरा इक्वेशन दे रखी है, इसमें आप देखेंगे y स्क्वायर, अगर मैं x की वैल्यू नेगेटिव पुट कर दूं तो यहाँ नेगेटिव हो जाएगा और यहाँ तो पॉजिटिव रहेगा, तो y स्क्वायर नेगेटिव आएगा। y स्क्वायर नेगेटिव मतलब y मेरा इमेजिनरी आ गया, पर ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि जो मेरा कर्व है वो माइनस x एक्सिस की तरफ, क्योंकि x की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, यहाँ लाए नहीं करेगा, मतलब जो कर्व होगा वो इधर ही किधर लाए करेगा, ऐसे कुछ होगा, इधर लाए नहीं करेगा। तो इसका बस इतना सा ही रोल होता है। अब हम मूव करेंगे अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। सो स्टूडेंट्स, अब हमारा नेक्स्ट चीज है कि मैक्सिमा मिनिमा निकालना है और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या है। उसके लिए आपको सिर्फ डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, जो भी आपको दे रखा है, जो आपको कर्व की क्वेश्चन दिखी उसको पहले y के टर्म्स में लिख लीजिए, फिर उसको dy by dx कर दीजिए। उसके बाद आपको इसको इक्वेट करना है जीरो के। इससे क्या होगा, आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे कहाँ मैक्सिमम है कहाँ मिनिमम है, वहाँ पर जब आप पुट करेंगे वैल्यू तो आपको y की वैल्यू भी मिल जाएगी। अब इसका सिग्निफिकेंस ये है कि dy by dx अगर आपका ग्रेटर देन जीरो आता है तो कर्व आपका इंक्रीजिंग है वरना डिक्रीजिंग है। अब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए मेरे को क्या करना होता है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालो, डबल डेरिवेटिव निकाला, तो ये जिस भी पॉइंट पे जीरो है वो मेरा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, मतलब वहां पे मेरा कर्व चेंज होता है। मान लीजिए एक कर्व ऐसा है, फिर ये ऊपर जा रहा है और ये यहां से नीचे जा रहा है, तो ये जो मेरा पॉइंट है इसको मैं कहूंगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, यहां पर ये कर्व बिल्कुल चेंज हो रहा है। तो ये निकालने के लिए आपको डबल डेरिवेटिव को जीरो रखना है, जिस पॉइंट पे ये जीरो आ रहा है वो पॉइंट मेरा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। ये बेसिक मैथ्स है तो इसका मैं एग्जांपल नहीं कर रहा हूं। अब मैं मूव करूंगा एसिम्प्टोट्स पर। सो एसिम्प्टोट्स हमारे होते हैं, एक स्ट्रेट लाइन है जो कि ऑटोमेटिकली अप्रोच करती है गिवन कर्व को, बट कभी मिलती नहीं है एक फाइनाइट डिस्टेंस पे, कहते हैं इन्फिनिटी पे मिलती है। मान लीजिए ये मेरा एसिम्प्टोट है और ये मेरा कर्व है, तो मान लीजिए इस तरह से कर्व जा रहा है, तो ये कभी मिलेगा नहीं, ऐसे दूर कभी मिलेगा जाके, इस तरह के एसिम्प्टोट्स होते हैं। अब इन्हें निकालने का तरीका भी बहुत सिंपल है। मुझे क्या करना है, अगर मेरे को पैरेलल टू एक्स एक्सिस निकालना है तो कोफिशियंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री टर्म ऑफ एक्स को मुझे जीरो पुट करना है, या फिर वाई एक्सिस के तो सेम वाई की जो हाईएस्ट डिग्री टर्म रहेगी उसका जो कोफिशियंट है उसको जीरो पुट करना है। मान लीजिए ऐसे मेरे पास है वाई क्यूब एक्स है, बाकी आगे पूरा दे रखा है, तो मैं ये जो कोफिशियंट है ए माइनस एक्स इसको पुट कर दूंगा जीरो में। a इज इक्वल टू एक्स, एक्स इक्वल टू ए, मेरा एक एसिम्प्टोट आ जाएगा। एक आध एग्जाम्पल और मैं आपको बता देता हूं करके। मान लीजिए मुझे इसमें एसिम्प्टोट्स बताने हैं, क्वेश्चंस नॉर्मली आ जाते हैं एसिम्प्टोट्स के ओनली कि एसिम्प्टोट बताओ, तो इसमें कुछ नहीं करना मुझे, हाईएस्ट पावर ऑफ x पहले x के पैरेलल देख लेता हूं, एसिम्प्टोट पैरेलल टू x तो आ जाएगा y इक्वल टू जीरो, पैरेलल टू y देख लेता हूँ तो y की जो हाईएस्ट पावर है वो y है, तो y x स्क्वायर माइनस वन इस तरह से है, इसको इक्वेट करूँगा जीरो के लिए, x स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो, x प्लस माइनस वन, ये मेरा पैरेलल टू y एक्सिस एसिम्प्टोट्स आ गए। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आप इसका नेक्स्ट पार्ट भी देखें ज़रूर। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।